हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ग्रुप हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका नेक्स्ट हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो कैसा लगता है लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस तरह का लग रहा है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो इंग्लिश में तो ये क्लियरली है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, और हिंदी में इसके कई सारे नाम हैं। तो इसको बोलते हैं समूह का समूहांक। तो पहले तो ये नाम हमको याद होने चाहिए, हिंदी वाले जो भी हैं, समूह का समूहांक या ग्रुप का ग्रुपांक। और इसी के और भी नाम हैं, ग्रुप की कोटि। और इंग्लिश में क्लियरली एक नाम है इसका, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ग्रुप का ग्रुपांक पूछा है, ग्रुप की कोटि पूछी है, या समूह का समूहांक पूछा है। एक ही मीनिंग है सबका, कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, की ग्रुप का ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है, ग्रुपांक क्या है या समूहांक क्या है। एक ही चीज़ें होती हैं, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है सबका। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, उसकी बात करेंगे। ग्रुप हम जानते हैं कि जो भी हमको ग्रुप दिया होगा, नॉन एम्प्टी सेट जो दिया होगा, उस सेट में नंबर ऑफ अ एलिमेंट कितने हैं, कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, उन एलिमेंट्स की संख्या को कहते हैं ग्रुप ऑफ, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप जी। कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स की संख्या या उन अवयवों की जो संख्या होती है उसको कहते हैं ग्रुप की कोटि या ऑर्डर। तो और इसको लिखने का एक तरीका है, ऑर्डर ऑफ जी से लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी यानी कि इस ग्रुप जी में कितने अवयव हैं, उन अवयवों की संख्या को ही इसका ऑर्डर या ग्रुप की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो जो कन्फ्यूज़न हो सकता है हमको इस नाम की वजह से, वो हमने क्लियर हो गया हमारा, कि ऑर्डर क्या होता है, कि जो अवयव की संख्या है वही ग्रुप का ऑर्डर होगा। अब किसी भी ग्रुप, कोई भी जो समूह हमको दिया हुआ है, कोई भी सेट जो हमको दिया हुआ है, उस सेट को देख के हमको किस तरह से वेरीफाई करना है कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो वो आज हम सीखेंगे। देखो एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले एक सेट है जी, जिसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, जानते हैं इनको, इकाई के अवयव होते हैं। और यहाँ पे जो द्विचर संक्रिया है, वो द्विचर संक्रिया है डॉट या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इकाई की 3 घात के अवयव हैं ये। और यहाँ पर जो द्विचर संक्रिया है वो है डॉट या मल्टीप्लिकेशन। अब इस ग्रुप को चेक करना है कि ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के साथ में ग्रुप बनाता है या नहीं, ग्रुप नहीं सॉरी, ये सेट है, ये सेट मल्टीप्लिकेशन के साथ में ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है। तो उसके लिए देखो हमको 4 चीज़ें चेक करनी है। ग्रुप में तो हमने 3 परिभाषा पढ़ी है, कि 3 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, वो कंडीशन याद है, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी, जहाँ हमने ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट की थी, कि कोई भी बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार ग्रुप कहलाती है यदि उसमें 3 कंडीशन, सहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम अवयव, 3 चीज़ें अगर होंगी तो जो सेट है वो ग्रुप कहलाएगा, जो बीजीय पद्धति है वो ग्रुप
कहलाएगी। लेकिन हमने वहाँ पे एक नाम यूज़ करते हैं बीजीय पद्धति, तो उस बीजीय पद्धति के लिए यहाँ हमको एक और प्रॉपर्टी चेक करनी है जिसका नाम है द्विचर संक्रिया। उसके बाद में तीन हमने लिखी थी कि एक होनी चाहिए सहचर्यता, एक तत्समक अवयव होना चाहिए इस ग्रुप में, और एक इस ग्रुप में होना चाहिए प्रतिलोम अवयव। तो देखो इनको चेक करने का, ये चार चीज़ें चेक करनी है। द्विचर संक्रिया परिभाषित होनी चाहिए, सहचर्यता लागू होनी चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए और प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होने चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे, देखो ये ग्रुप है, सबसे पहले बात करते हैं कि द्विचर संक्रिया परिभाषित है या नहीं। तो द्विचर संक्रिया कब परिभाषित होती है, द्विचर संक्रिया के परिभाषित होने का मीनिंग है कि हम ये संक्रिया इस सेट पे लगाएंगे और जो संक्रिया लगाने के बाद में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे इसी ग्रुप के होने चाहिए। तो देखो उसको लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे हम ग्रुप के एलिमेंट लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हमारी जो संक्रिया है मल्टीप्लिकेशन वो, और ये संक्रिया वापस इन्हीं एलिमेंट्स के साथ में हमको लगानी है। तो यहाँ पे हमने लिख दी, अब हर एलिमेंट के साथ एक दूसरे के साथ ये संक्रिया अप्लाई होगी। सबसे पहले ये देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, कि ये जो सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला, इकाई की 3 घात के अवयव होते हैं ये, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 तो वो भी यहाँ ध्यान रखेंगे हम। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, ओमेगा से किया ओमेगा आया, और ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर आया। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा को 1 से किया ओमेगा आया, ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया, तो ये 1 घात, ये 2 घात, ये टोटल 3 घात, और 3 घात की वैल्यू होती है 1। तो ये आ गया। ऐसे यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया 3 घात हो गई, और 3 घात पे वैल्यू हो जाती है 1। फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया 4 घात हो गई, और 4 घात में से इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 घात, और 4 घात में से 3 घात की वैल्यू तो 1, और बची कितनी 1 घात। तो द्विचर संक्रिया परिभाषित है कि नहीं, देखो सारे एलिमेंट क्या जी के बाहर का कोई एलिमेंट है या सारे जी के हैं। अगर सारे एलिमेंट जी के हैं तो द्विचर संक्रिया परिभाषित है। तो ये द्विचर संक्रिया जो प्रॉपर्टी है वो राइट हो गई। नेक्स्ट है सहचर्यता, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में सहचर्यता हमेशा लागू होती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है किसी भी क्रम में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर सेम ही आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग हर जो सेट होता है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। तो मल्टीप्लिकेशन है इसलिए सहचर्यता होगी। अब देखो तत्समक या आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जिसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट किया और वापस वही एलिमेंट आया। तो यहाँ पे देखो 1 डॉट वाला संक्रिया है, मल्टीप्लिकेशन है, 1 है, 1 को हमने देखो 1 से किया 1 आया, ओमेगा से किया ओमेगा आया, और ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर आया। तो यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी लागू हो गई। अब है प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव यानी कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको ऑपरेट करने पे तत्समक अवयव आए। तो ये तो खुद ही तत्समक है। ओमेगा के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, देखो ओमेगा के साथ किसको ऑपरेट किया हमने, ओमेगा स्क्वायर को, तो क्या आ गया तत्समक अवयव।
ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा को यहाँ पे हमने ऑपरेट किया तो क्या आ गया, तत्समक अवयव। तो इनवर्स एलिमेंट, ओमेगा का इनवर्स, ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ये इनवर्स मीन्स वन अपॉन ओमेगा नहीं है, इसका इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट है ओमेगा। तो प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है प्रत्येक अवयव का, क्योंकि एक तो तत्समक ही है, उसके अलावा सारे एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो बाकी सबका प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इस तो ये चेक करने का तरीका है, पहले हम ये सारणी बनाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, सारे एलिमेंट इसी सेट के आते हैं या नहीं, अगर इस सेट के आते हैं तो द्विचर संक्रिया, ऑपरेशन देख लेंगे, प्लस है डॉट है अगर इस टाइप के हैं तो उसमें एसोसिएटिव ऑटोमेटिक अप्लाई होती है, बाकी अगर कोई और संक्रिया है तो उसके हिसाब से हमको देखना है। तत्समक इसी सारणी से देख के चेक कर सकते हैं और प्रतिलोम भी हम यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टी अगर अप्लाई होती है तो ये जो सेट है ये इस डॉट वाली संक्रिया यहाँ पे दी हुई है मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, ग्रुप भी बनाता है और अबेलियन ग्रुप भी बनाता है, क्योंकि डॉट वाली जो संक्रिया है किसी भी क्रम में हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स को वापस से सेम आंसर आएगा, तो ये ग्रुप है एंड अबेलियन ग्रुप भी है। तो ये इसको चेक करने का तरीका है, नोट कर सकते हैं। ऐसा ही एक है और एग्जांपल है, ये सेट क्या है, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, वो इकाई की ही घात के मूल हैं, वो तीन घात के मूल थे, ये इकाई की चार घात के मूल हैं। ऑपरेशन है वही मल्टीप्लिकेशन या डॉट, वही चेक करेंगे, देखो चार प्रॉपर्टी चेक करनी होती है हमको कि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ये ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप, इसको प्रूफ करना है, लेकिन हमको प्रूफ किस तरह से करना है वो देखेंगे। चार प्रॉपर्टी अबेलियन प्रूफ करना है, तो फर्स्ट हो गया द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, सेकंड सहचर्यता, थर्ड तत्समक अवयव और फोर्थ होता है प्रतिलोम अवयव, ठीक है, ये हो गया। और अबेलियन प्रूफ करना है तो लास्ट एक इसका क्रम विनिमयता भी, ये पांच प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम। चेक कहाँ से करेंगे, वही एक सारणी बनाएंगे, पांच की पांच प्रॉपर्टी हमारी यहाँ चेक हो जाएंगी। देखो ऑपरेशन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन है 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, ऐसे ही 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को माइनस 1 से किया माइनस 1 आया, आयोटा आया, 1 को किसी से भी करेंगे सेम नंबर आएंगे। तो एक चीज़ ये कि तत्समक अवयव विद्यमान है इसमें, ये 1 सबसे मल्टीप्लाई किया वापस वही नंबर आ रहे हैं। अब माइनस 1 से करेंगे तो ये माइनस वन प्लस 1 हो गया, माइनस 1 को आयोटा से किया माइनस आयोटा हो गया, और माइनस 1 को माइनस आयोटा से किया तो ये आयोटा हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये आयोटा और आयोटा, आयोटा जानते हैं आयोटा होता है आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, ये तो जानते ही हैं, 11th 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर खूब पढ़े हमने। तो ये आयोटा, आयोटा को आयोटा से गुणा किया, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, आयोटा को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 1, माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, इसको किया इससे तो प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये सारणी कंप्लीट हो गई, एलिमेंट सारे के सारे किसके हैं, वापस से सेट जी के, तो द्विचर संक्रिया परिभाषित,
मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एसोसिएटिव होती है, इसलिए सहचर्यता भी। तत्सम अवयव तो हमारे फर्स्ट लाइन में हमको पता चल गया था। अब है प्रतिलोम, प्रतिलोम ढूंढते हैं। देखो ये तो तत्सम अवयव है, इसका नहीं देखते, इसके अलावा जो बचे हैं उनका। माइनस वन में वन कब आया, माइनस वन से ऑपरेट किया तो माइनस वन का प्रतिलोम माइनस वन ही है। आयोटा का प्रतिलोम देखो माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा है। मींस क्या आना चाहिए, तत्सम अवयव आना चाहिए ऑपरेट करने के बाद में। तो ये माइनस वन का माइनस वन, आयोटा का माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, तो सबके प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और गुणन के अंदर क्रम विनियमिता ऑटोमेटिक लागू होती है कि किसी भी क्रम में हम मल्टीप्लाई करें नंबर वही आता है। तो पाँच की पाँच प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, मीन्स ये जो जी कॉमा स्टार, स्टार नहीं है डॉट है, मल्टीप्लिकेशन, ये कैसा ग्रुप, अबेलियन। तो इस तरह से ये जो इस टाइप के जो सेट हैं प्लस ऑपरेशन में आएंगे या डॉट ऑपरेशन में आएंगे, या इकाई के ये जो दो क्वेश्चन, ये दो ही क्वेश्चन है, इकाई के तीन घात वाले मूल और चार घात वाले मूल, तो ये दोनों के दोनों अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो इस टाइप के जो सेट हैं, चेक करने का तरीका क्या है, वो सब के सब में यही चेक करने का तरीका है, जो ऑपरेशन होगा वो हमको ध्यान रखना है कि क्या है। तो इस टाइप से हम किसी भी ग्रुप को किस तरह से प्रूफ किया जाता है, किस तरह से चेक किया जाता है कि ये सेट इस संक्रिया के साथ में ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, उसके लिए हमको ये चार प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करनी होती है, और सबको चेक करने का तरीका इस सारणी में। तो इस तरह से कोई भी सेट हो, सारे सेट को हम चेक कर सकते हैं कि वो ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, और ग्रुप बनाएगा तो अबेलियन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है।